महानगर से पोंटा साहिब देहरादून जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बैराग आता है, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है यार। घंटे ट्रैवल करने के बाद अब झलक मिली है पहाड़ों की। रूबी के साथ हमें बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। गाइस कैसे आप सब यार, मतलब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा व्लॉग एकदम गाड़ी में कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, अभी हाईवे पे हैं तो हम निकल चुके हैं रोड ट्रिप पे, मैं रूबी एंड इतू। तो रोड ट्रिप कहाँ का है ये बेसिकली, हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, पहाड़ी इलाका। थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई थी यमुनानगर में, हमने सोचा चलो चिल मार आते हैं इतू। तो इतू की भी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने वाली थी तो हमने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और एक छोटा सा रोड ट्रिप मार रहे हैं। छोटा सा तो नहीं, दो दिन का तो है। एंड जो नैनीताल हम जा रहे हैं वो अप्रोक्स रहेगा यमुनानगर से 350-370 किलोमीटर्स के अराउंड, एंड मोस्ट ऑफ द एरिया हाईवेज ही है। हल्द्वानी तक हाईवे ही होगा, प्लेन एरिया होगा। हल्द्वानी के बाद कुछ 50 किलोमीटर जो हमें मिलेगा वो पहाड़ों वाली रोड मिलेगी, मज़ा तो उसी का ही है एंड सारे पैसे भी उसी के हैं। तो बहुत टाइम से मुझे क्रेविंग हो रही थी यार, मैं सोचा था अपनी इंट्रो तो बोलूँगा तो बोलूँगा, आज मौका मिला है तो चलो कर ही देते हैं यार अपने इंट्रो स्टार्ट। सो हे, और कैसे हैं आप सब, दिस इज योर होस्ट इन दोस्त थ्रू मल्होत्रा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दी एच आर टू राइडर। तो चलो आप इस व्लॉग का मजा लो, मैं थोड़ा रास्ते का मजा लेता हूँ, हम थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कर लेते हैं। वो भी सो रहा है, ये भी थोड़ी देर में उठेगा तो आपसे मिलाएंगे, चलो मिलते हैं फिर। सो रूबी उठ चुका है एंड रूबी बहुत हैरानगी से देख रहे हैं, साले सोया तो मैं बेड पे था, तुमने उठा के कहा मेरे को गाड़ी में घुमा रहे हो, देखो देखो तो भाई साहब उठते कैमरे की तरफ बनेगा व्लॉगर बनेगा बड़ा हो गया। तो रूबी बेचारा हैरान परेशान है कि मैं जा कहाँ आ रहा हूँ, तो हमने इसे बता दिया, इसके लिए कोई सरप्राइज नहीं रखा। तो हमने बता दिया कि भाई तेरे को नैनीताल घूमने लेके जा रहे हैं, बड़ा हो गया मत बोलियो कि मेरे को कहीं घुमाया नहीं आप लोगों ने, ठीक है रूबी, ओके ना ब्रो, लिल ब्रो, ठीक है ठीक है, घूमी घूमी जा रहे हैं, बड़ा होकर मत बोलती हो कहीं घुमाया नहीं आपने मेरे को, ठीक है। समर वेकेशन, हाँ समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, आपकी घुमाने लेके जा रहे हैं आप। तो गाइस मैं सोच रहा था आपको थोड़ा रूट का एक अपडेट दे दूँ, जब आप यमुनानगर से नैनीताल की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली गूगल मैप से मेरे को दो रूट दिखाए थे, एक वाया हरिद्वार होकर जा रहा था एंड दूसरा जो वाया मुजफ्फरनगर मेरठ बाईपास करके, तो आगे दोनों जाके धर्मपुर मिल जाते हैं। तो जो हरिद्वार वाला रूट है वो भी एकदम शानदार है, वो भी पूरा हाईवे है एंड मुझे इस वाले रूट में थोड़ा डाउट था, बट ये वाला भी अब मुझे समझ आ गया कौन सा रूट है। तो ये भी आपको अभी जो रास्ते में दिखाया मैंने, काफ़ी अच्छा हाईवे है, तो दोनों रूट प्रेफरेबल हैं, जिससे भी आपको कम्फर्टेबल लगे आप जा सकते हो। सामने देखिए, ये देखिए अभी हम एमिरेट्स में हैं, तो ये सामने आ गया मक्का मदीना। तो हम नेशनल में इंटरनेशनल वाली फील ले लेते हैं। इतूर मेरा क्या है बेसिकली, हम घूमते घूमते ना कुछ एक ऐसी जगहें देख लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड टूर से रिलेटेड होती है, तो हमें बड़ा मजा आता है ऐसे रास्ते में ना, हमें कुछ कुछ चीजें देखते हैं ना तो हम उसे रिलेट करते रहते हैं, जैसे कि हमें कोई ब्रिज दिख गया तो हमने उसे लंदन ब्रिज से कंपेयर कर लिया, तो ऐसे ही मतलब खुद खुद सी बात, तो हम मतलब अपना टाइम पास कर लेते हैं सफर का ना, मजा आ जाता है। ये वही तो है, ड्रिफ्ट मारी थी। ये वाला रास्ता एक बार हम नोएडा से आ रहे थे तो इस वाले रास्ते में मैंने बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट मारी थी, रिक्शा की शादी भाई, इतनी सही ड्रिफ्ट थी ना, इतना सही हैंडल किया था मैंने उस चीज को, मुझे याद आ गया। मतलब तुम लड़की का कंफर्ट देख रहे हो, इसने पूरा बना लिया घर कार में, सराना वराना लगा के सीट पीछे करके मैं जाऊंगी फुल ऐश में, तो आराम से जाना चाहिए ना, क्यों भाई इतना ट्रैवल लंबा है तो फिर बच्चे के साथ दिक्कत होती तो है, 8 घंटे का ट्रैवल है, थोड़ा सा बच्चे के साथ भी कंफर्ट मिलना चाहिए ना, इसको ये नहीं लगना चाहिए पता नहीं कहाँ कैसे लेके जा रहे हैं।
ड्राइवर को भी ऐसा कंफर्ट मिलना चाहिए ना, मैं भी सराहने वराने लगा के हैं, मस्त ऐसे कर लूंगा, मजा आ जाएगा। बाकी गाइस सो फार अभी तक रास्ता बहुत अच्छा है, बाकी कुछ अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है गंगा बैराज, मुझे काइंड ऑफ वैसी लग रही है जगह, जब हम यमुनानगर से पांडा साहिब देहरादून जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बैराज आता है, बहुत ही सुंदर जगह लग रही है यार। बाकी मैं एक बार राउट अपडेट दे देता हूँ आपको, हाईवे चल रहा था आपका मुजफ्फरनगर बाईपास तक, मुजफ्फरनगर बाईपास से हमने लिया बिजनौर की तरफ एक रास्ता, मतलब गूगल ने दिखाया हमें, हम वहाँ पे आ गए एंड उसके बाद मतलब रास्ता ठीक है, सिंगल लेन है, बट ये कि हाईवे नहीं है, बहुत ज़्यादा पैच ख़राब नहीं है कहीं भी, बट अच्छा है रास्ता। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, देख लो भी एक अपडेट हो रहा है, इन्होंने मुझे ड्राइवर बना दिया और ये भीम साहब उनके पीछे बैठ गए हैं। तो काफी टाइम बाद जाके मिला हमें हाईवे, टू लेन बढ़िया हाईवे, ये लगा लो कि जो मुजफ्फरनगर बाईपास से सीधा धमपुर तक, धमपुर बाईपास तक सिंगल लेन थी, रोड टूटा हुआ नहीं था बट सिंगल लेन थी, काफ़ी टाइम लग रहा था ना आप स्पीड अप कर पा रहे थे गाड़ी को, अब प्रॉपर यहाँ से धमपुर से टू लेन हाईवे मिला है, अब देखते हैं आगे कितनी देर तक ये साथ देगा हमारा, अगर पूरा देगा हल्द्वानी तक तो बहुत ही बढ़िया, बाकी जैसे भी होगी अपडेट हम बताते रहेंगे। थोड़ी भूख लगी थी, स्निकर्स खा रहे थे तो ये अच्छे। हाँ वन मोर अपडेट, इस वाले रूट पे कुछ बहुत अच्छे ढाबे भी नहीं है, मतलब मुझे तो अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है, बाकी देखते हैं कहीं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या ढाबा मिलता है तो रोक के थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। के बाद इस हाईवे पे थोड़ा ठीक सा ढाबा मिला, मतलब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है जहाँ पे बैठ के खाया जा सकता है, वरना इतनी तेज भूख लगी हुई थी इतनी देर की, मतलब कोई एक भी चज का ढाबा नहीं था, एक भी चज का। चलो अब यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ खाते हैं गाइस, तो अभी थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ा रूबी को भी फ्रेशन अप कर लेते हैं, खुद भी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नैनीताल अप्रॉक्स यहाँ से 100-110 किलोमीटर रह गए, तो ऑलमोस्ट मतलब 2.5-3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। चलो मिलते हैं आपसे। खाना खा के हम निपट चुके हैं संधू ढाबे से, पराठे हमने यहाँ खाए थे, अच्छा था, सही था, मतलब यार जब कुछ नहीं मिल रहा था तो ये बहुत ही अच्छा लगा। हाँ ठीक है, सिटिंग वगैरह भी अच्छी, और यहाँ का एम्बियंस मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैक कैम से, सही लग रहा है काफ़ी। मौसम और थोड़ा सा सही होता ना, मजे आ जाते इस रोड में। तो घर से निकले थे हम पहाड़ 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 करते कि भाई हम जा रहे हैं हिल स्टेशन, तो इतने घंटे ट्रैवल करने के बाद अब झलक मिली है पहाड़ों की, तो दिखाते हैं आपको, अगर पता नहीं कैमरे में कैप्चर हाँ हो रहा होगा थोड़ा बहुत शेडोज वगैरह। ऑलमोस्ट हम मतलब पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी एंड अब 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया है हमारी डेस्टिनेशन, बट ट्रैफिक आई गेस ज़्यादा है या क्या है, व्यू 1 आवर दिखा रहे हैं हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। लो जी क्या तकड़ा जाम, हमें जाना है मात्र 22 किलोमीटर और उसके लिए हमें 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहे हैं, अभी अभी एक बहुत तगड़ा काटा है हमारा गूगल ने कि एक फ्री वे दिखा के हमें
डेड एंड पे जाके छोड़ दिया। गूगल पे कभी कभार इतना गुस्सा आता है ना, मतलब क्या करवा रहे गूगल, फिर आगे फिर जाम में फंस गया। वीकेंड है, जाम तो लगेगा, अब क्या करें, अब आए इतनी दूर से तो ये भी झेल लो। खाली रोड देख के मजा आ रहा है, नहीं देर बाद खाली रोड घूम लिया ना। रास्ता कुछ कुछ वहाँ दिक्कत था ना, बिल्कुल उस तरह से मोड़ नहीं रहा, छोटी सी रोड बन गया। Finally, wait is over भाई लोगों। यार ये री भीमताल जिसके लिए इतना ट्रैवल कर गया हमारे थे, तो अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल पे। एंड यहाँ से हमारा होटल रिजोर्ट जो है वो रह गया होगा 2-2.5 kilometers। तो एक बार हम पहले जाएंगे अभी सीधा रिजोर्ट पे, वहाँ पे चेक इन करके थोड़ा फ्रेश व्रेश होके फिर आएंगे शाम को यहाँ, तो फिर देखेंगे क्या सीन बनता है, बोटिंग करेंगे क्या करेंगे वो शाम वो आगे देखते हैं। बट फाइनली भीमताल हम पहुंच चुके हैं, व्यू बहुत अच्छा है, व्यू तो गजब है, मतलब सारे पैसे इसी व्यू के हैं भाई साहब। ये तगड़ा ऑफ रोड जिसे कहते हैं, मतलब ये 2-2.5 kilometers का ऑफ रोड है। जो भी फर्न हिल साइड आ रहे हैं तो वो पहले देख लेना, भीमताल से 2-2.5 kilometers ऊपर है और ऐसा ही पूरा रास्ता है, छोटा और ऑफ रोड। तो जो एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए तो बढ़िया है, और जिनको ऐसी सेक्सी व्यू चाहिए उनके लिए बढ़िया है, बाकी तो फिर देख के अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा मतलब सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, मतलब ये हमारा सेकंड चेक इन है। इससे पहले भी होटल वालों ने हमें एक रूम दिया था, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्टेयर्स चढ़नी उतरनी पड़ रही थी, तो मतलब रूबी के साथ हमें बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। तो हमने फिर रिक्वेस्ट करके एक रिसेप्शन एरिया के पास ही रूम दोबारा चेंज कराया है, एंड फाइनली रूम में सारा ऑल सेट करके अब हम बैठे हैं आराम से। तो अब रूबी है मस्ती मोड में ऑन, अब बस थोड़ी देर कुछ खा पी के रूबी के साथ एंजॉय करेंगे, फिर थोड़ा आपको होटल का टूर कराएंगे। रूम का टूर भी मैं कराना भूल गया जल्दबाजी में, वो भी मैं आपके लिए डालूंगा। हेलो गाइस, आपको रूम टूर करा दूँ, थोड़ा इग्नोर करना जो मैसेज हो रखा है, काफ़ी भूख लग रही थी तो
यहाँ पे कुछ ऐसा बेड है, ये अलमीरा है, एलईडी है, और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे सेक्सी मैं हूँ, बस छोटा सा रूम है। और जो रिजॉर्ट का टूर है पूरा वो थोड़ी देर में कराएंगे आपको, यहाँ से कुछ ऐसा वैली व्यू मिलता है आपको, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह का है, वो ओपन रेस्टोरेंट है सामने, वहाँ आप जा सकते हैं। नीचे रिक्रिएशन रूम है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, ये अभी नीचे कुछ लोग कर भी रहे हैं एक्टिविटीज वगैरह, एंड वहाँ सिम्स वगैरह लगी हुई है। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस। बाकी रिव्यूज़ मैं थोड़ी देर में मतलब अच्छे से इसे एक्सप्लोर करके दूंगा आपको। ओवरऑल एज ऑफ नाउ आई फाउंड दिस प्रॉपर्टी क्वाइट गुड।